हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनअकैडमी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का अनअकैडमी यूजीसी नेट में। और सबसे पहले तो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? गुड इवनिंग मनीषा, नमिता, शकुंतला, शिवम, अनुमनु, सुमित्रा, प्रतीक्षा, वरुण, पर निकु, सभी को गुड इवनिंग। सो कैसे हैं आप सब लोग? कैसे चल रही है आपकी स्टडीज? सो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेम टॉपिक है कि आपके जो टॉप 500 MCQs हैं उनको हम कवर अप कर रहे हैं हिस्ट्री के। और इसमें आपके जो मोस्ट ऑफ द वही क्वेश्चन है गाइस जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जो प्रीवियस एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। और आज हमारा जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो है प्राचीन भारत से। प्राचीन भारत से आपके क्वेश्चन है, यानी एंशियंट इंडिया से आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है। सो गाइज, एक बार आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। एवरीवन प्लीज शेयर द वीडियो, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं गाइज फटाफट से एक बार शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ पाए। और शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले तो ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, उसके बाद में गाइज ये आपकी फ्री क्लासेस का शेड्यूल है जो ऑन द डेली बेसिस आपकी हो रही है। अनलॉक कोड है आपका Shiv10 और इसको अप्लाई कीजिए, और जितनी भी आपकी क्लासेस हैं फ्री क्लासेस हैं उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। देन उसके बाद में अगर आप प्लस पे पढ़ना चाहते हैं, जो कि आपका ऑलरेडी ऑन गोइंग कोर्स है, तो अनलॉक कोड है मेरा, रेफरल कोड है Shiv10, इसको अप्लाई कीजिए। इससे 10% डिस्काउंट मिलेगा और इन सिंगल सब्सक्रिप्शन दोनों पेपर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में गाइस प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर की क्लासेस मिलेगी, इंटरेक्टिव लाइव सेशंस मिलेंगे, लाइव टेस्ट मिलेंगे, स्ट्रक्चर कोर्सेस एंड PDFs आपको मिलेंगे। जितने भी हमारे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं उनकी क्लासेस भी आपको साथ में मिलेंगी। और आपके जो फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्सेज हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, तो उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी इसको रेफर कर सकते हैं। उसके बाद में जब सब्सक्रिप्शन ले तो या तो 12 मंथ या 24 मंथ का ले सकते हैं। 12 मंथ की फीस है 13,750, जैसे ही रेफरल कोड अप्लाई करेंगे तो फीस हो जाएगी आपकी 12,375, यानी इंस्टेंट आपको 10% डिस्काउंट मिलता है आफ्टर अप्लाइंग माई कोड। उसके बाद में आप आइकॉनिक भी ज्वाइन कर सकते हैं। आइकॉनिक में स्पेशल क्या है गाइस, क्योंकि यहाँ से आपको पर्सनल कोच और पर्सनल गाइडेंस आपको मिलती है, प्लस इंटरव्यू और PhD तक की प्रिपरेशन आपको यहाँ से करवाई जाएगी। उसके बाद में ये प्रोफाइल है मेरा, अगर आपने फॉलो नहीं किया तो यहाँ से आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, और इसके बाद जितनी भी आपकी क्लासेस होंगी उनकी रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो शुरू करें एवरीवन, तैयार हो आप सब लोग? सो गाइज, एक बार आप शेयर कर दें, एवरीवन प्लीज शेयर एंड लाइक द सेशन। आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ पाए। चलो जी, तो शुरू करते हैं। एंड वंस अगेन गुड इवनिंग टू एवरीवन, आप सभी को गुड इवनिंग। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का सेशन। और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कथन और कारण दिए हैं। कथन हमारे को हमें क्या दिया है, कथन दिया है हमें जयवर्मन सेकंड ने कंबोज में देवराज संप्रदाय की स्थापना की, इसके द्वारा वह कंबोज को स्वतंत्र रखना चाहता था। 15 सेकंड आपके पास में, 15 सेकंड में हमें आंसर करना है। तो आप सब लोग इसका आंसर दीजिए, क्या ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। आप सभी लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और इसका आंसर करें, ठीक है। असर्जन है और रीजन दिया है, तो आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। 15 सेकंड आपके पास में और 15 सेकंड में आंसर दीजिए एवरीवन, सब लोग बताइए। ए बी सी या डी, सही उत्तर क्या होगा आपका, बताओ सब लोग इसका आंसर दीजिए। विद रेफरेंस टू द अबव टू स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, और इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है आपका ए। ए इज द वेरी करेक्ट आंसर गाइस, ठीक है, ए। अब ए क्यों है गाइस, क्योंकि जो जयवर्मन सेकंड है, जयवर्मन सेकंड है, उन्होंने देवराज संप्रदाय की स्थापना इसलिए की थी क्योंकि वो कंबोज को क्या रखना चाहते थे, स्वतंत्र रखना चाहते थे गाइस, ठीक है। देवराय संप्रदाय, देवराज संप्रदाय,
दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके ठीक हैं और कथन और कारण एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। सो जिसका भी ए आंसर है दोस्तों वो 2+ अपने स्कोर में आप कर सकते हैं, एवरीवन 2+ अपने स्कोर में आप कर सकते हैं। उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। एक तरफ लेखक है और दूसरी तरफ पुस्तक का शीर्षक दिया है। के आर कानुनगो, रघुवीर सिंह, जे डी कनिंगम और जेम्स ग्रांट डफ। 15 सेकंड आपके पास में है और 15 सेकंड में आंसर दीजिए सब लोग। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ए बी सी या डी, बताएं सब लोग। आंसर दीजिए सब लोग, करेक्ट आंसर क्या होगा, इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए। कानून को, रघुवीर सिंह, कनिंगम और जेम्स ग्रांट डफ। हिस्ट्री ऑफ सिक्स, हिस्ट्री ऑफ जाट, हिस्ट्री ऑफ मराठा या मालवा इन द ट्रांजिशन। करेक्ट आंसर बताइए सब लोग, 15 सेकंड आपके पास में और 15 सेकंड में आंसर दीजिए सब लोग, एवरीवन। सही उत्तर क्या होगा आपका, सो बताओ, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, आंसर दीजिए सब लोग। करेक्ट आंसर क्या होगा, कानून को, रघुवीर सिंह, कनिंगम और जेम्स गांडफ। इसका जो सही आंसर होगा, जो करेक्ट आंसर है गाइस, वो है आपका डी। डी इज द करेक्ट आंसर और काफी कम लोगों ने ठीक दिया है आंसर। अनिल सिंधे का बिल्कुल ठीक है और बाकी किसी का ठीक नहीं है। सो देखो, कानून गो इन्होंने लिखा है हिस्ट्री ऑफ जाट, रघुवीर सिंह जी ने लिखा है मालवा इन ट्रांजिशन, और कनिंगम ने लिखा है हिस्ट्री ऑफ सिख, और जेम्स ग्रांट डफ है हिस्ट्री ऑफ मराठा। सो आंसर क्या होगा आपका, डी। डी इज द करेक्ट आंसर और जिसका भी आंसर डी है वो 2+ अपने स्कोर में कर सकते हैं, एवरीवन। ठीक है जी, सो हमारा आंसर क्या हो गया, डी। डी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, और इसको ध्यान से पढ़ें आप सब लोग। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुषाण देवकुल प्राप्त होता है, जहां राजकीय पुरुषों की प्रतिमाएं रखी जाती हैं, अहिछत्र, माट, संघोल, सहबाजगढ़ी। और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप मुझे बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा सब लोग। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुषाण देवकुल प्राप्त होता है, जहां राजकीय पुरुषों की प्रतिमाएं रखी जाती थी। कुषाण देवकुल प्लेस, जहां पे जो रॉयल स्टेच्यूज हैं वो आपकी रखी गई है। सो आंसर कीजिए सब लोग, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। 15 सेकंड है, 15 सेकंड आपके पास में है और 15 सेकंड में सबका आंसर निकलना चाहिए। अहिछत्र, माट, संघोल, सहबाजगढ़ी, ए बी सी या डी। सो बताएं सब लोग करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, सही उत्तर का चयन करना है आपको। एंड द वेरी करेक्ट आंसर इज, इसका जो सबसे सही उत्तर होगा, जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो है आपका बी। बी इज द करेक्ट आंसर गाइस, ठीक है। तो अब देखिए, हम जब मूर्ति कला की बात करते हैं गाइस, जब हम मूर्ति कला की बात करते हैं तो जो कुषाण है उनका बहुत बड़ा योगदान है, और ठीक है, कुषाणों का काफी बड़ा योगदान है। और हमने कल भी बात किया था गाइस कि जो गांधार कला है, गांधार कला है और आपका जो मथुरा कला है, गांधार कला एंड मथुरा कला, दोनों ही कुषाणों ने पेट्रोनाइज किया है। दोनों ही ऐसी कलाएं हैं जो कुषाणों का योगदान इनका रहा है गाइस।
अब हम ये देखते हैं गाइस कि माट एक ऐसी जगह होती थी, है ना, जो कुषाण थे बेसिकली, है ना। वहां पे 11 कुषाण सम्राट की मूर्तियां मिली हैं गाइस, ठीक है। विम कद फिसिस से लेके कनिष्क ओ तक की मूर्तियां यहाँ पे आपको मिली हैं गाइस। कहाँ से मिली है? माट नाम के स्थान पे ना। तो प्लीज इसको याद रखना है आप सब लोग, माट इज द वेरी करेक्ट आंसर। ठीक है, और जो देवकुल क्या होता था बेसिकली, इसको भी आप देख लीजिए, है ना। देवकुल, देवकुल तो देवकुल एक ऐसा स्थान होता था गाइस, जहां पे जो कुषाण होते थे, वो अपने पूर्वजों की जो मूर्तियां हैं गाइस, है ना, जो पूर्वज हैं, जो उनके एंसेस्टर्स रहे हैं, उनकी जो मूर्ति थी वो बनाते थे। उनकी विशेष रुचि थी मूर्तियां बनाने में, वहां पे देवकुल पे उनकी मूर्तियां रखी जाती थी, ठीक है। तो प्लीज इसको याद रखना है, और माट नाम के स्थान से आपको 11 के लगभग मूर्तियां ऐसी मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, और हल किसकी प्रतिमा का विशिष्ट लक्षण है? जो प्लो है वो कौन से देवता का सिंबल है? किस देवता को हल के रूप में जानते हैं गाइस? हल किसका सिंबल है? बलराम का है, कृष्ण जी का है, सूर्य का है, और त्रिविक्रम का है। 15 सेकंड है हमारे पास में, और 15 सेकंड में आंसर दीजिए सब लोग, करेक्ट आंसर क्या होगा? हल किसकी प्रतिमा का विशिष्ट लक्षण है? बलराम, कृष्ण, सूर्य और त्रिविक्रम। बलराम, कृष्ण, सूर्य और त्रिविक्रम, आंसर बताइए, सही उत्तर आपका क्या होगा? बताओ सब लोग, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए एवरीवन। तो आई होप सब लोग इसको सही कर देंगे, है ना। तो ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बलराम, ठीक है। जो हल है तो वो किसका सिंबल है? वो बलराम का सिंबल है आपका। बलराम कौन होते हैं गाइस बताओ मुझे? हल है जो किसका सिंबल है? बलराम का सिंबल है। बलराम कौन है गाइस? ऐसा बताया जाता है गाइस कि जो बलराम है ना, वो जो कृष्ण है गाइस उनके अग्रज हैं, मतलब उनके बड़े भैया हैं। जो कृष्ण भगवान हैं उनके, कृष्ण हैं उनके बड़े भाई के रूप में प्रसिद्ध हैं गाइस। ठीक है, क्लियर है? सो याद रखना है आपको, भूलना नहीं है गाइस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, बताइए महाराष्ट्र में नहपान के काल में स्वर्ण एवं काश्यपान के बीच क्या विनिमय दर थी? यानी उनका रेशियो आपको बताना है, 1:10, 1:15, 1:25, 1:35। 15 सेकंड है और 15 सेकंड में आंसर दीजिए सब लोग, सही उत्तर का चयन करना है। बताइए ए बी सी या डी, बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सुवन और जो कृष्णपन है उनके बीच का रेशियो आपको बताना है। बताओ सब लोग, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? इनके बीच का रेशियो बताइए। इसके बीच का जो रेशियो है ना, इसके बीच का जो रेशियो होगा वो क्या है आपका? 1:35, 1:35 होगा। तो करेक्ट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? डी। सो डी इज द वेरी करेक्ट आंसर, और जिसका भी आंसर डी है वो 2+ अपने स्कोर में कर सकते हैं। अब देखो गाइस, होता क्या था कि ऐसा बताया जाता था कि जो 70,000 कृष्णापन है,
वो 2000 स्वर्ण मुद्रा में दिया जाता था, स्वर्ण मुद्रा में दिया जाता था ऐसा बताया जाता है। तो अब इसको आप देखोगे तो कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 1:35 है आपका, है ना, 35:75 है ना, तो 1:35 आपका ऑलमोस्ट हो जाएगा इसमें, है ना। तो ये है आपका करेक्ट आंसर, ठीक है जी। और जो कृष्णा पान है और जो ये क्या है गाइस, ये सोने और चांदी के जो सिक्के हैं वो बेसिकली हैं गाइस, है ना। तो ये जो नहपान है वो एक शासक रहे हैं, उनके द्वारा ये सिक्के चलाए गए थे। तो प्लीज इसको याद रखना है, भूलना नहीं है सबको। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण विषय संबंधित उत्कीर्ण निम्न गुफा में से किस मिला है, रामायण का जो वर्णन है वो कौन सी गुफा में आपको मिला है। सीतनावसल तमिलनाडु में, बादामी इन कर्नाटका में, रंगमहल असम में, और अंडावली अंडावली इन आंध्र प्रदेश। सो 15 सेकेंड आपके पास में, और 15 सेकेंड में आंसर दीजिए। एवरीवन करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, सब लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। एवरीवन, रामायण विषय संबंधित उत्कीर्ण निम्न गुफा में से प्राप्त होता है, तमिलनाडु के सीतनावसल, कर्नाटक में बादामी, असम के रंगमहल और आंध्र प्रदेश में अंडवली। तो आप मुझे बताएंगे कि सही आंसर क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर। ए बी सी या डी, तो काफी लोग अगर किसी ने ए किया तो ए पे ही जा रहे हैं, ऐसा मत करो। और अभी जो आंसर मुझे सही मिला है वो अर्चना मिश्रा एंड रिनी कुमारी मिश्रा। सो मिश्रा का बिल्कुल आंसर ठीक है, शकुंतला मिस्त्री का भी ठीक है, रश्मिता प्रधान का भी बिल्कुल ठीक है, करेक्ट आंसर है मेरा डी, अंडावली। अंडावली आंध्र प्रदेश से गुफाओं में आपको क्या मिला है, रामायण के जो साक्ष्य हैं गाइस, जो रामायण की थीम पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन रामायण थीम। तो याद रखिएगा इसका, और जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा वो है डी, और जिसका भी आंसर डी है वो 2+ अपने स्कोर में आप कर सकते हो। एवरीवन ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवन क्वेश्चन, और बताओ अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, ये PYQ है, तो आप मुझे बताएंगे कि सही आंसर क्या होगा इसका। वह चोल राजा जिसने कटुता मिटाने के लिए श्रीलंका के विजय बाहु के साथ शांति स्थापित कर ली और अपनी पुत्री का विवाह एक सिंहली राजकुमार से कर दिया, वह कौन था, कुलोत्तुंग विक्रम चोल, राजराज सेकिन और राजाधिराज। 15 सेकेंड आप हैं आपके पास में, 15 सेकेंड में मुझे आंसर दीजिए सब लोग। वह चोल राजा जिसने कटुता मिटाने के लिए, है ना, श्रीलंका के विजय बाहु के साथ शांति स्थापित कर ली और अपनी पुत्री का विवाह एक सिंहली राजकुमार से कर दिया, और वह कौन था बताओ, ए बी सी या डी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और काफी लोग इसका ये आंसर दे रहे हैं, देखते हैं कितने लोग इसको सही कर पाएंगे। एंड द वेरी करेक्ट आंसर इज गाइज आपका ए, कुलोत्तुंग प्रथम। अभी कुलोत्तुंग प्रथम कौन था गाइस, ये राज राजा का बेटा था गाइस, है ना, राज राज का बेटा था ये, राज राज का पुत्र था ये, क्लियर एवरीवन। तो प्लीज इसको याद रखना है और भूलना नहीं है ना, कुलोत्तुंग प्रथम कौन था आपका, राज राज का पुत्र था गाइस, है ना। और उनके और जो आपका उन्होंने क्या किया, जो सिंगल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का उन्होंने विवाह किया था। सो ए इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के शासकों को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इनको आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है गाइस, है ना। ये जो मेवाड़ के जो शासक हैं, मेवाड़ मतलब ये आपका जो राजपूत शासक हैं, राजस्थान राजपूत जो शासक हैं, इनको आपको क्या करना है, क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है ना। राणा रायमल, राणा सांगा, राणा उदा और राणा कुंभा। 15 सेकेंड आपके पास में, 15 सेकेंड में आंसर कीजिए सब लोग। नीचे दिए गए कूट में अपना उत्तर चुनिए। चूज योर करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड बिलो, ए बी सी या डी, बताओ। एवरीवन आंसर दीजिए। राणा रायमल, राणा सांगा, राणा उदा और राणा कुंभा। देखो, जो करेक्ट आंसर है आपका, वो है आपका गाइस, एक बार ध्यान से देखिए सब लोग, करेक्ट आंसर होगा आपका बी। बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए आप, है ना, कि होता क्या है कि 1303 में, 1303 में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है, और जो चित्तौड़ फोर्ट है, जो चित्तौड़ है, वो खिलजी के हाथ में चला जाता है गाइस, ठीक है। यानी वो मेवाड़ का जो शासन है वो आपका खिलजी के हाथ में चला जाता है। अब होता क्या है गाइस, 1303 तक वो खिलजी इनके हाथ में रहता है वो। उसके बाद में जो राजा रतन सिंह होते हैं, उनका जो पुत्र होता है राणा हम्मीर देव, ठीक है, राणा रतन सिंह का जो पुत्र होता है, राणा रतन सिंह का जो पुत्र है हम्मीर देव, वो चित्तौड़ को क्या करता है, आजाद करवाता है इनसे। जो चित्तौड़गढ़ है ना, चित्तौड़ का जो फोर्ट है, या मेवाड़ आप बोल सकते हो, इसको आजाद करता है खिलजी से। उसके बाद में दोबारा से आपका जो बेसिकली जो सिसोदिया वंश है, जिसको आप है ना, उसकी जो नींव है वो पड़ती है, और उसके बाद में बहुत सारे जो रूलर हैं वो आते हैं, जैसे राणा कुंभा हो गया आपका, है ना, राणा कुंभा हो गया। और राणा कुंभा के बाद में आपके फिर जो है रायमल है, रायमल के बाद में आपके रायमल से पहले उदा है आपके, उदा के बाद में आपके राणा सांगा है। तो ये आपकी क्रोनोलॉजी है। तो सबसे पहले कौन से हो गया आपके, राणा कुंभा, हो गया सबसे पहले, जो कि सिसोदिया वंश के थे गाइस। और इसकी जो नींव थी वो किसने डाली थी, नींव आपके जो राजा रतन सिंह है, जिसको जो अलाउद्दीन खिलजी है वो फाइनली मार देता है उसको, उसने डाली थी। राणा कुंभा है आपके, उसके बाद में आपके उदा है, उदा के बाद में आपके रायमल है, रायमल के बाद में आपका हो गया राणा सांगा। अब राणा सांगा के बाद में गाइस फिर से यहां पे जो मुगल्स हैं, है ना, उनका आधिपत्य हो जाता है गाइस। तो आंसर क्या है आपका, बी, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। कुंभा है, उदा है, और रायमल है, और आपके सांगा है, फोर। अब राणा सांगा के बारे में भी थोड़ा सा आप जान लो, है ना, कि लास्ट में इनको कौन हराता है, तो एक बार देख लीजिए इसको भी। राणा सांगा, ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राजपूत वॉरियर माने जाते हैं, बट 1527 में आपका खानवा का युद्ध होता है, खानवा, बैटल ऑफ खानवा, होता है। और उसमें जो राणा सांगा है गाइस, है ना, वो हार जाते हैं किससे, बाबर से। किससे हार जाते हैं, बाबर से हार जाते हैं गाइस। तो प्लीज इसको याद रखिए सब लोग, एंड एवरीवन प्लीज फोकस ऑन द क्लास, है ना। आप शायद अगर अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन बाद में भी करेंगे गाइस तो चल जाएगा काम, बट अगर ये कंटेंट आपके स्किप हो गया तो फिर शायद दोबारा से आप नहीं देखोगे क्लास को।
तो प्लीज फोकस ऑन द कंटेंट एवरीवन, है ना। एक हम्बल रिक्वेस्ट आप सबसे, प्लीज फोकस ऑन द कंटेंट। जो करेक्ट आंसर है मेरा वो है आपका बी, बी इज द वेरी करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक तरफ आपके लेखक दिए हैं और दूसरी तरफ आपको पुस्तक दी है, यानी उनका टाइटल दिया है गाइस। सो आप मुझे बताएंगे कि करेक्ट आंसर क्या होगा। जीपी गूच है, एडवर्न गिबन है, ओसवाल्ड स्प्लेंगर है, आरजी कोलिंगवुड है। इनकी किताब का नाम आपको बताइएगा सब लोग। द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, हिस्ट्री एंड हिस्टोरियन ऑफ द 19th सेंचुरी, द आइडिया ऑफ हिस्ट्री, डिक्लाइन एंड द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। ऑथर है और आपके पास में बुक के टाइटल है, तो आप मुझे बताएंगे कि करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। एवरीवन, सो जल्दी जल्दी आंसर कीजिए सब लोग, इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। ए बी सी या डी, फिफ्टीन सेकेंड एंड 15 सेकेंड में आंसर दीजिएगा सब लोग। और जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो है आपका डी, डी इज द करेक्ट आंसर। सो जेपी गूच की बुक है आपकी हिस्ट्री एंड हिस्टोरियन ऑफ द 19th सेंचुरी, एडवर्न गिबन है डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, स्प्लेंगर है डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, कोलिंगवुड की है आपकी द आइडिया ऑफ हिस्ट्री। कोलिंगवुड की कौन सी किताब है? द आइडिया ऑफ हिस्ट्री। सो द करेक्ट आंसर इज डी, डी इज द वेरी करेक्ट आंसर। और जिसका भी ये आंसर ठीक है वो 2+ अपने स्कोर में आप कर सकते हो दोस्तों। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दर्शक जो पुराणों की वंशावली के अनुसार अजातशत्रु के बाद मगध के सिंहासन पर बैठा था, कि ऐतिहासिक प्रमाणिकता कहां से आपको प्राप्त होती है बताइए। दर्शक अकॉर्डिंग टू द पुराणास अजातशत्रु के बाद में गद्दी पे बैठा मगध की, तो ये आपको कहां से मिलता है बताइए मुझे। आप सब लोग इसका आंसर बताइए। एवरीवन, अर्थशास्त्र, देवी चंद्र गुप्तम, मुद्रा राक्षस या स्वपन वदता, तो बताइए करेक्ट आंसर बताइए सब लोग क्या होगा आपका। ए बी सी या डी, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा आंसर। सब लोग एक बार आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। एवरीवन, इसका जो सही आंसर है, जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, वो है आपका डी, डी इज द वेरी करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये किसने लिखा है गाइज, ये स्वपन दासवदत्ता, ये आपका जो बताइए किसके द्वारा लिखा गया है, आप मुझे ये बताइए कि ये जो स्वपन दासवदत्ता है ये किसके द्वारा लिखा गया है, इसके लेखक कौन है। इसके राइटर कौन है, इसके लेखक कौन है, एक बार आप सब लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो किसके द्वारा लिखा गया है गाइस, ये भास के द्वारा लिखा गया है, है ना। तो है ना, तो याद रखिएगा गाइस, भूलना नहीं है। अब हुआ क्या कि हमने पहले भी बात की है गाइस, बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो उदयन है, उदयन के तीन पुत्र होते हैं अनिरुद्ध,
मुंडक और नागदर्शक। इस नागदर्शक को ही हम क्या बोलते हैं, दर्शक। क्लियर एवरीवन। तो ऐसा बताया जाता है कि जो अजातशत्रु हैं उसके बाद में नागदर्शक हैं, वो शासन पर बैठते हैं, और नागदर्शक को ही हम क्या बोलते हैं, दर्शक बोलते हैं। तो इससे हमें ये जो प्रामाणिकता है वो आपको मिलती है ना। तो प्लीज इसको याद रखना है, आप सब लोग भूलना नहीं है, है ना। उदयन के तीन पुत्र हैं, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदर्शक। नागदर्शक को ही हम दर्शक बोल रहे हैं यहाँ पे। नागदर्शक तो ही क्या बोल रहे हैं गाइस, आपका दर्शक। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th क्वेश्चन है, और इसका आंसर दीजिए आप सब लोग। निम्न घटनाओं को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ऊपरी सिंध घाटी में सिकंदर के गवर्नर क्षत्रप फिलिप की हत्या, सिकंदर द्वारा पर्सीपोलिस को जलाना, सिकंदर और पोरस का युद्ध, और ट्रीटी ऑफ त्री पैरेडिसस या ट्राई पारडिसस। सो आप मुझे बताएंगे कि करेक्ट आंसर क्या होगा। एवरीवन, इनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज आपको करना है। आपके पास में है 15 सेकेंड, तो 15 सेकेंड है, एंड 15 सेकेंड में सब लोग इसका आंसर दीजिए। एवरीवन, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ए बी सी या डी? सो बताएं एवरीवन, सही उत्तर का चयन आपको करना है और आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। सब लोग एवरीवन, सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी, और सरिता कुमारी का ठीक है, एंड एंड सिर्फ सरिता कुमारी, और अहनूर इस्लाम का भी ठीक है। सो दो बच्चों का ठीक है, बाकी सबका गलत हुआ गाइस, है ना। पेरिसोपोलिस को जलाना 330 बीसी है, सिकंदर पोरस का युद्ध 326 है, ऊपरी सिंध घाटी में सिकंदर के गवर्नर क्षत्रप फिलिप की हत्या 326 है, और त्री पैरोडिसस की संधि 321 बीसी। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया मेरा, डी। सो डी इज द करेक्ट आंसर, और जिसका भी आंसर डी है वो 2+ अपने स्कोर में कर सकते हैं, ठीक है जी। तो जिसका भी आंसर डी है वो 2+ अपने स्कोर में आप कर लीजिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, 12 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। वे लगभग 20,000 नागरिक निम्न किस भारतीय गण के थे जिन्होंने शौर्यपूर्वक सिकंदर का प्रतिरोध करने के बाद अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ आत्मदाह कर लिया था, जैसे पर्वती काली, राजपूत, जौहर, प्रथा का पूर्व अनुमान कर रही हो। जिस प्रकार से जो अग्नि जौहर होता है गाइस ना, जैसा कि हमें अभी अलाउद्दीन खिलजी की बात की, तो अलाउद्दीन खिलजी का अटैक होता है तब राजपूत जो प्रिंसेस थी उन्होंने जौहर किया था 1303 में। तो ऐसा ही एक हमें कब देखने को मिलता है, जब सिकंदर का आक्रमण होता है, जब अटैक ऑफ द सिकंदर होता है, यानी 326 में जब अलेक्जेंडर का अटैक होता है। तो ऐसे कौन सी जाति थी जिनके जो जो पुरुष और जो पत्नियां थी उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ में आत्मदाह किया था। सो बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। अगल्स, अगललिस, मलोई, आक्सी, ड्रोकाई या जात्री। ए बी सी या डी। सो गाइस इसका जो सही आंसर होगा, जो करेक्ट आंसर है मेरा, वो है आपका ई। ई इज द वेरी करेक्ट आंसर, और जिसका भी ए आंसर है
वो 2+ अपने स्कोर में कर सकते हैं एवरीवन। जिसका भी ए आंसर है वो 2+ अपने स्कोर में कर सकते हैं आप सभी लोग। सो हुआ क्या था कि जब यहां पे सिकंदर का आक्रमण होता है भारत पर, तो जब जब वह वापस जा रहा होता है तो कुछ भारतीय जो ट्राइब्स थी उन्होंने उसका क्या किया, विरोध किया है ना, और अगलसी जो जातियां थी वहां पे वो निवास करती थी और उन्होंने उनको समर्पण नहीं किया बल्कि उनका सामना किया और लड़ते लड़ते गाइस वो अपने और अपनी बीवियों के साथ में ही वो आग में झोंक दिया जाता है गाइस, है ना। तो ये है आपका कि ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ये है आपके दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और उनके राज्य, धनंजय, नीलराज, उग्रसेन, विष्णुगोपा। 15 सेकेंड आपके पास में है और 15 सेकेंड में आंसर दीजिए सब लोग जल्दी से एवरीवन कि इसका सही उत्तर क्या होगा आपका, है ना। तो सब लोग आंसर करो फटाफट से। किंग्स ऑफ समुद्रगुप्ता, कंटेम्परी किंग्स ऑफ समुद्रगुप्ता इन साउथ इंडिया, कंटेम्पररी किंग्स ऑफ समुद्र गुप्तास ऑफ साउथ इंडिया एंड हिज किंगडम, धनंजय, नीलराज, उग्रसेन या विष्णुगुप्त। 15 सेकंड है और 15 सेकंड में आंसर देना है सब लोगों को, तो जल्दी जल्दी आंसर कीजिए सब लोग। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? बताएं एवरीवन, ए बी सी या डी। सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? जो सही उत्तर है वो है आपका बी, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए धनंजय है वो है कुस्त लपुर, नीलराज है आपके अवमुक्त, उग्रसेन है पालकक और विष्णुगोप है कांची। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गाइस, तो आप देख सकते हो कि कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो हम कभी पढ़ते भी नहीं है, बट अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जा रहे हो तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, तो वहां पे हमको थोड़ा सा हेल्प मिल सकती है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है, या तो आप बोल डिटेल से पढ़ के जाओ या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको करके ही जाने हैं, तभी आप ऐसे क्वेश्चन से डील कर पाओगे नेक्स्ट, वरना तो फिर तुक्का ही मारना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कौन से ग्रीको रोमन लेखक ने कहा है, ये स्टेटमेंट है आपका, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप मुझे बताएंगे कि कौन से ग्रीको रोमन लेखक ने कहा है कि प्राय वे लोग जिन्होंने भारत के बारे में लिखा है वे झूठे लोगों की जमात है, डायमेकस उस सूची में पहला स्थान है, मेगस्थनीस दूसरे पे आता है, आने सिक्रिटियस तीसरे पे और नियारकस उसके बाद में। उसी प्रकार के अन्य लोग हकलाते हुए सही शब्द बोल देते हैं, अरियन, जस्टिन, प्लूटार्क या स्ट्रैबो। सो आप मुझे बताएंगे कि करेक्ट आंसर क्या है, और 15 सेकंड आपके पास में और 15 सेकंड में आंसर कीजिए एवरीवन, करेक्ट आंसर क्या होगा, सही उत्तर का चयन करना है आपको। सो बताओ सब लोग, एरियन, जस्टिन, प्लूटार्क, स्ट्रैबो। तो सही उत्तर बताइए मुझे, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? एरियन है, जस्टिन है, प्लूटार्क है या स्ट्रैबो है, ए बी सी या डी।
प्राय वे लोग जिन्होंने भारत के बारे में लिखा है वे झूठे लोगों की जमात है। डायमेकस उस सूची में पहला स्थान है, मेगस्थनीज दूसरे पे हैं, आने सिक्रेटियस और नियारकस उसमें भी शामिल हैं। सो ये किसने बोला है आपका, डी यानी स्ट्रैबो, डी इज द करेक्ट आंसर गाइस। ठीक है, हाँ जैसे कि हम पहले भी इसके बारे में सोचा मतलब डिस्कस कर चुके हैं गाइस, जैसे कि जितेंद्र कुमार पटेल ने बोला कि मेगस्थनीज के बारे में बोला जाता है ऐसा, है ना, तो ऐसा बोला जाता है कि इन्होंने भारत के बारे में बहुत झूठ लिखा है गाइस। ठीक है, क्या लिखा है, बहुत झूठ लिखा है, है ना, तो प्लीज इसको याद रखना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, निम्न में से किस नरेश ने वन संकरता की प्रथा को समाप्त करने का दावा किया है, बताइए, गौतमी पुत्र सातकर्णी है, खारवेल है, पुष्यमित्र सुंग है या प्रवरासेन है। 15 सेकंड है और 15 सेकंड में आंसर कीजिएगा, क्या होगा आपका सही उत्तर। निम्न में से किस नरेश ने वर्ण संकरता की प्रथा को समाप्त करने का दावा किया है, गौतमी पुत्र सातकर्णी, खारवेल, पुष्यमित्र सुंग या प्रवर सेन, ए बी सी या डी, करेक्ट आंसर बताइए सब लोग, एवरीवन इसका आंसर चूज कीजिए कि सही उत्तर क्या होगा। एंड द वेरी करेक्ट आंसर इज, इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है आपका ई, गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में ये बोला जाता है गाइस, है ना। तो ऐसा बताया जाता है गाइस कि जो गौतमी पुत्र सातकर्णी है, है ना, तो उन्होंने इसको वर्ण संकरता को रोकने का प्रयास किया था। इसका हमें जो उल्लेख है वो ऐसे मिलता है कि यहाँ पे नई नई जातियाँ व्यवसाय के आधार पर घटित होने लगी थी। पहले क्या होता था, जो वर्ण है गाइस उसमें आपका बर्थ के आधार पर था, ठीक है, और ऐसा बताया जाता है कि जब आपका सातवाहन आते हैं उनके आधार पर उनका जो व्यवसाय है, व्यवसाय के आधार पर जातियां हैं वो घटित होने लग जाती, यानी उनका जो ऑक्यूपेशन क्या है, है ना, सातवाहन के टाइम पे ऐसा बताया जाता है कि ऑक्यूपेशन के आधार पर आपकी जो कास्ट है वो डिसाइड होती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, किसके टाइम पे होता है वो, सातवाहन के टाइम पे। आल्दो ये बताया जाता है कि जो सातवाहन थे वो भी स्वयं ब्राह्मण थे, है ना, और नासिक जो इंस्क्रिप्शन है गौतमी पुत्र को आदित्य ब्राह्मण भी कहा गया है, जो नासिक इंस्क्रिप्शन है गौतमी पुत्र सातकर्णी का, तो उसमें उनको क्या बताया गया है, आदित्य ब्राह्मण बताया गया है गाइस। ठीक है, ब्राह्मण, तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है एग्जाम के लिए। ये हो गया हमारा 15 क्वेश्चन, अब बाकी क्वेश्चन है गाइस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना, और आज के लिए इतना ही था, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का सेशन। अगर अच्छा लगा तो एक बार आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, एवरीवन प्लीज लाइक एंड शेयर द सेशन। अगर आपको सेशन पसंद आया तो एक बार आप सब लोग इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि कल 7:30 AM पे हमारी अनअकैडमी ऐप पे क्लास होने वाली है, अनअकैडमी ऐप पे क्लास होगी, तो उस क्लास को आप सब लोग ज्वाइन कीजिए, जिसमें हम करने वाले हैं आपके पीजेंट और ट्राइबल रिवोल्ट्स, पीजेंट सिविलियन और ट्राइबल रिवोल्ट हैं उनको हम करेंगे,
उनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम करेंगे। तो आप सब लोग 7:30 AM पे एग्जैक्ट इस क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। अनअकैडमी ऐप पे होगी, फ्री क्लासेस हैं आपकी, फ्री क्लासेस हैं आपकी, ऐप पे होगी आपकी क्लास, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को भी आप सब लोग शेयर कीजिए इस क्लास को ना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फ्री क्लासेस का फ़ायदा उठा सके, ठीक है। 7:30 AM आना मत भूलना सब लोग, है ना। ऐप पे होगी, अनअकैडमी ऐप पे। उसके बाद में आपकी 10 बजे भी क्लास है, वो पेपर वन की होगी ना, पेपर वन की आपकी क्लास होगी। तो उस क्लास को भी आप अटेंड कीजिए और जितनी भी आपकी फ्री क्लासेस हैं उनका फ़ायदा आप उठाइए, ठीक है जी। और ये हमारी फ्री क्लासेस का शेड्यूल है, और अनलॉक कोड है आपका शिव10। जब भी आप क्लास को ज्वाइन करें तो इस अनलॉक कोड को आप लगाइए। इस कोड को लगाने पे आपकी जितनी भी क्लासेस हैं उनका फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद में आपका जो टारगेट बैच है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो जिसको भी अच्छे से रिविजन करना है वो इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद में जब आप सब्सक्रिप्शन लें अनअकैडमी का, तो रेफरल कोड शिव10 है, इसको अप्लाई कीजिए। इससे 10% डिस्काउंट मिलेगा। सिंगल सब्सक्रिप्शन में कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 आपके तैयार होंगे गाइस, ठीक है। पेपर 2 आपको पता है हिस्ट्री का कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, पेपर 1 का भी कोर्स आपका आने वाला है। तो अगर आप पेपर 1 पेपर 2 कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसमें हमारे और भी एजुकेटर हैं उनकी क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी, जितने भी टॉप एजुकेटर हैं उन सबकी क्लासेस मिलेंगे। उसके बाद में आपके फास्ट ट्रैक रिविजन कोर्सेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, तो इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जब सब्सक्रिप्शन लें अनअकैडमी का, जब सब्सक्रिप्शन लें गाइस, तो 12 मंथ या 24 मंथ का ले सकते हैं। 12 मंथ की जो फीस है वो है 13,750, और जैसे ही आप मेरा रेफरल कोड अप्लाई करेंगे शिव10, तो आपकी फीस हो जाएगी 12,375, यानी इंस्टेंट 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। आइकॉनिक भी ले सकते हैं, यहाँ से आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, आपको पर्सनल कोच हैं गाइस वो यहाँ से मिलेंगे। तो काफ़ी फायदे होते हैं आपको आइकॉनिक लेने के, तो जिसको भी ज्वाइन करना है वो आप ज्वाइन यहाँ से कर सकते हैं। ये प्रोफाइल है मेरा, अगर आपने फॉलो नहीं किया यहाँ से तो यहाँ से आप जो फॉलो भी कर सकते हैं। इसके बाद जितनी भी आपकी क्लासेस होंगी उनकी रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे, ठीक है जी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, है ना। और आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।